हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सलोनी अग्रवाल वेलकमिंग यू ऑल एट द प्लेटफॉर्म ऑफ क्वालिटी शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का नया टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की एमपीपीएससी मेंस में, और साथ ही साथ में जो भी आप वन डे एग्जाम दे रहे हैं उन सब में प्रॉफिट एंड लॉस से आप लोग क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि व्हाट इज सीपी, व्हाट इज एसपी, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, सेम टाइम पे हम देखेंगे लॉस, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात आती है तो उसको समझने के लिए पहले कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस समझना जरूरी है। लेट सपोज अगर कोई पर्सन है, ध्यान से समझिएगा, इफ अ पर्सन परचेज सम आर्टिकल, ठीक है, अगर वो कोई आर्टिकल परचेज करता है, लेट सपोज ये कोई पर्सन ए है, अगर ये कोई आर्टिकल कहीं से परचेज करता है तो जिस प्राइस पे इसने आर्टिकल परचेज करा उसको बोला जाएगा कॉस्ट प्राइस। क्या बोला जाएगा? कॉस्ट प्राइस बोला जाएगा, ठीक है। अब अगर ये पर्सन ए, लेट सपोज इसके कोई शॉप हो और अगर ये शॉपकीपर है, तो जब इस आर्टिकल को ये किसी दूसरे पर्सन को सेल करता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब इस आर्टिकल को ये दूसरे पर्सन को सेल करेगा, जिस प्राइस पे ये इसे सेल करेगा उसे क्या बोला जाएगा? सेलिंग प्राइस। ये आप लोगों को मालूम भी होगा, अगर नहीं मालूम है तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। ये परचेसिंग प्राइस थी, ठीक है, और ये क्या है? आपकी सेलिंग प्राइस है। तो दिस इज एसपी, दिस इज सीपी। परचेसिंग प्राइस इज नोन एज कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस, जिस पे आर्टिकल को सोल्ड करा जा रहा है, सेल करा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? सेलिंग प्राइस। अब मान लीजिए इसने जिस प्राइस पे परचेस करा था वो है ₹100, ठीक है, ₹100 में इसने कोई आर्टिकल को परचेस करा है, लेकिन उसी आर्टिकल को जिस सेलिंग प्राइस पे ये सेल करता है हम मान लेते हैं ₹110, ठीक है, कितना है? ₹110। तो आप लोगों को ऑब्वियसली ये दिख रहा है कि अगर ₹100 में कोई आर्टिकल खरीदा है और उसको 110 में बेचा है तो ही विल हैव अ गेन ऑफ ₹10, और वो जो गेन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका प्रॉफिट, ठीक है। और प्रॉफिट हमेशा याद रखना, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करा जाता है, पहले हम लोग पेन का निब थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। हाँ, ये जो प्रॉफिट है इसको कैसे कैलकुलेट करा जाता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके, ठीक है। तो हमारे पास यहां से एक फॉर्मूला डिराइव हो गया है कि प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये तो आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला आपने ये डिराइव कर लिया। नाउ इन केस अगर इसने आर्टिकल ₹100 में परचेस करा है और अगर ये वही ₹100 वाला आर्टिकल जो इसने परचेस करा था लेट सपोज ₹90 में सेल कर देता, तो इस टाइम इसको क्या होता? लॉस होता। और लॉस कितने रुपए का होता? ₹10 का होता। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है। तो आप लोगों के पास एक और फॉर्मूला डिराइव हो गया है कि लॉस बराबर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्यों? ध्यान से देखना, इस लॉस के केस में जो कॉस्ट प्राइस होगा वो हमेशा सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो आपने बेचा है, जिस प्राइस में आपने बेचा है वो क्या है? कम है। और प्रॉफिट के केस में हमेशा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी, विच इज वेरी ऑब्वियस, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है, जो परचेसिंग प्राइस है, जिस प्राइस पे आर्टिकल को परचेस करा जाएगा वो कॉस्ट प्राइस, सेल करने वाली प्राइस इज योर सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा याद रखना सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एंड लॉस इज कैलकुलेटेड बाय कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि आप बता दो गेन परसेंट कितना है, गेन परसेंट बोलो इसको या फिर आप इसको प्रॉफिट परसेंट बोलो, दोनों बात बराबर है, ओके। हमेशा याद रखना जब भी गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखना इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। जब भी गेन परसेंट निकालेंगे तो गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है जितना भी आपको गेन हुआ है या जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब ध्यान से सुनिएगा, नीचे में कॉस्ट प्राइस क्यों लिया? नीचे में सेलिंग प्राइस भी तो ले सकते थे ना। हमेशा याद रखना जब भी गेन परसेंट की बात होती है तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे माना जाता है।
क्यों माना जाता है? ध्यान से देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस रुपीज 100 है, सेलिंग प्राइस रुपीज 110 है, तो गेन कितना हुआ आपको? रुपीज 10 का। क्यों हुआ? 110 में से 100 माइनस कर दो, रुपीज 10 का आपको गेन हुआ है। तो ये जो आपको 10 रुपए का मुनाफा हुआ है, ध्यान से देखो, ये किस पे हुआ है? जो आपने 100 रुपए का कोई आर्टिकल परचेस करा था, तो ये जो गेन निकला है वो 100 में जब आप 10 मिला दोगे तो 110 हो जाएगा ना, तो वो कॉस्ट प्राइस पे आपको फायदा हुआ है। तो इसलिए जब भी गेन परसेंट निकाला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सिमिलरली अगर कोई आपसे बोलता है कि लॉस परसेंट निकाल दो, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सेम कहानी है कि अगर कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं रुपीज 100 है, सही है ना, और अगर सेलिंग प्राइस रुपीज 90 है, तो देखो लॉस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 90 मतलब रुपीज 10 का लॉस हुआ है। अब ये जो 10 का लॉस हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं पे हुआ है? वापस कॉस्ट प्राइस पे हुआ है, क्यों? कॉस्ट प्राइस में से आप 10 रुपए कम कर दो तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो एज एन जो भी ट्रेडर है या शॉपकीपर है, उसको 10 रुपए का लॉस हो रहा है, क्योंकि अब जो उसने सेलिंग प्राइस सेल जिस प्राइस पे सेल कर रहा है वो कॉस्ट प्राइस से 10 कम है। तो ये फॉर्मूला आपका काय का हो गया? लॉस परसेंट का। तो अब देखो आपके पास कितने फॉर्मूले हो गए प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर फॉर्मूले याद होंगे तो ज़्यादा कुछ भी बचता नहीं है। ये आ गया गेन अपॉन में गेन अपॉन में सीपी इंटू 100। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया गेन परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट का। फोर्थ फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, हम कौन सा है हमारे पास? लॉस परसेंट का। वो आ गया लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। सही है ये भी। अब बात आती है कि अगर इन केस, जैसे आपको अगर प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, तो आप सेलिंग प्राइस निकाल लोगे, विच इज ऑब्वियस। बट अगर इन केस प्रॉफिट नहीं दिया और आपको डायरेक्टली गेन परसेंट दिया, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है जिसको हम डिराइव कर सकते हैं। ध्यान से देखना, हम लोग उसको डिराइव करेंगे ताकि आप लोगों को डायरेक्ट रटना नहीं पड़े। जो फॉर्मूला निकल के आएगा उसके बाद आप वो याद रखिएगा, बट एक बार उसका डेरिवेशन देखिए। हमको मालूम है गेन परसेंट बराबर क्या होता है? गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, करेक्ट है। अब गेन की जगह मैं लिख सकती हूँ क्या? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, करेक्ट है। और इधर क्या चल रहा है आपका? गेन परसेंट चल रहा है। अब देखो, अगर मेरे पास गेन नहीं दिया होगा और गेन परसेंट और सीपी दिया है, तो भी मैं एसपी निकाल सकती हूँ। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखिएगा ध्यान से। गेन परसेंट बराबर सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस माइनस 1, मैंने इसको इंडिविजुअली डिवाइड करा दिया, इंटू 100, करेक्ट है। देखिएगा, गेन परसेंट इज इक्वल्स टू 100 का मल्टीप्लाई करा रही हूँ, सेलिंग प्राइस अपॉन में सीपी इंटू 100 माइनस 100, अंदर 100 का मल्टीप्लीकेशन करा दिया, माइनस 100 को उठा के एलएचएस की तरफ लेके आ रही हूँ। तो देखिएगा, गेन परसेंट, गेन इज इन, जो गेन परसेंट है वो जो वैल्यू दिया होगा वो डायरेक्टली आपको रखना होगा परसेंटेज के साथ, प्लस 100, ओके, बराबर सेलिंग प्राइस अपॉन में सीपी इंटू 100। क्या हमने कोई फॉर्मूला डिराइव करा है यहाँ से? बिल्कुल करा है। देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया अभी है। हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस बराबर, ठीक है, गेन परसेंट प्लस 100, ठीक है, ये सीपी उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इंटू सीपी अपॉन में ये 100 नीचे आ गया। और मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ या रीअरेंज करके लिख देती हूँ, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 इंटू सीपी इज योर सेलिंग प्राइस। ये एक फॉर्मूला आपके पास, एक और फॉर्मूला आ गया है जिसमें अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस दिया हो, गेन परसेंट दिया हो, तो आप डायरेक्टली सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल में लेट सपोज, अगर मान लो गेन परसेंट कुछ 10% दिया है, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, लेट सपोज 100 दिया है, तो सेलिंग प्राइस हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? देखिएगा, सेलिंग प्राइस बराबर 100 प्लस गेन परसेंट कितना है? 10%। प्लीज
हम डायरेक्टली 10% मतलब गेन परसेंट का वैल्यू रखेंगे, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इसका वैल्यू 10 रखेंगे। आप 10/100 मत रखिएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में डायरेक्टली गेन परसेंट है और गेन परसेंट का वैल्यू कितना है? 10%। ठीक है, तो 10/100 इंटू सीपी कितना है? 100। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये 100 से 100 गया, 100 प्लस 10 इज 110। ये क्या आ गया? आपका सेलिंग प्राइस आ गया। तो जब भी गेन परसेंट दिया हो और कॉस्ट प्राइस दी हो, तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एसपी बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। ओके, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 इंटू सीपी। अच्छा ठीक है, तो ये आप लोगों को जैसे मैंने ये डिराइव करके बताया है, वैसे ही अगर आपके पास गेन परसेंट ना दिया हो और लॉस परसेंट दिया, तो देखना क्या करेंगे। पहले तो हमने जो एक और फॉर्मूला डिराइव करा है उसको मैं यहां लिख देती हूं, ताकि सारे फॉर्मूले आपके एक साथ हो जाएंगे, है ना। कौन सा? फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है, एक सेलिंग प्राइस बराबर 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 इंटू सीपी। अगर गेन परसेंट नहीं दिया हो और अगर लॉस परसेंट दिया हो, तो लॉस परसेंट देखो कैसे लिखते हैं। लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सही है ना? कोई भी डाउट आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वैसे तो ये बहुत इजी है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो लॉस की जगह मैं लिख सकती हूँ क्या? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन में सीपी इनटू 100। अब ये वाला पार्ट मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैंने इसको डिराइव करा है पूरी स्टेप से, आप भी इसको डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको डाउट आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी जब आप इसको डिराइव करेंगे तो देखिएगा, फाइनल फॉर्मूला ये निकलना चाहिए, सेलिंग प्राइस बराबर 100 माइनस लॉस परसेंट ओके अपॉन में 100, ये हो गया इनटू सीपी। ये फॉर्मूला आपका निकल के आना चाहिए। अगर नहीं आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। वैसे तो अगर आपने पिछला वाला डेरिवेशन ध्यान से देखा है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इन केस अगर गेन परसेंट नहीं हो और लॉस परसेंट दिया हो, तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारा सिक्स्थ फॉर्मूला एक और डिराइव हो गया, सेलिंग प्राइस बराबर, देखिएगा ध्यान से, गेन परसेंट नहीं है लॉस परसेंट है, तो माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 इंटू में क्या? सीपी, है ना। यहाँ पे इसको सही से लिख लीजिएगा, रुको मैं रेस करके लिखती हूँ एक बार और, अंडू कर देते हैं। हाँ, इंटू सी पी, करेक्ट। तो ये आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया। अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा और आना भी चाहिए कि जैसे मैम अगर हमारे पास गेन परसेंट दिया है तो हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया, फॉर्मूला निकाल लिया, तो क्या हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसी फॉर्मूले से हम लोग कॉस्ट प्राइस भी हमारी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? देखना, फिफ्थ फॉर्मूले को ध्यान से देखना, आपको एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर मैं सीपी निकालना चाहती हूँ तो मैं काम करती हूँ, सीपी बराबर सेलिंग प्राइस इंटू 100 कर देती हूँ और अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? कॉस्ट प्राइस। देखो समझ में आया कैसे? ये 100 को मैंने इधर ले जाके मल्टीप्लाई करवा दिया है, 100 प्लस गेन परसेंट को नीचे लाके डिवाइड करवा दिया, तो मुझे क्या मिल गया? सीपी मिल गया। और अगर इन केस लॉस परसेंट दिया हो तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट। ये आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया। तो ये सारे फॉर्मूले अपने आप में बहुत इजी हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप लोगों को एक फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। अगर डेरिवेशन नहीं भी याद होगा तो चलेगा, क्योंकि वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। जब आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना आ जाएगा तो आप लोग याद रखिएगा, सेलिंग प्राइस बराबर होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 इंटू सीपी। बाकी के तीनों फॉर्मूले उससे डिराइव हो जाएंगे। तो ध्यान से देख लीजिए ये सारे फॉर्मूलेज और अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। और हम बोल सकते हैं, अब हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं क्या? ध्यान से देखिए कि अगर लेट सपोज अगर आपको कोई गेन परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है, मान लेते हैं कि गेन परसेंट 35% है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 इंटू क्या? सीपी, करेक्ट है। गेन परसेंट का वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा 135 अपॉन में 100 इंटू सीपी।
तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या आ गया 135 अपॉन में 100 इंटू सीपी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, सेलिंग प्राइस इज, ध्यान से देखिएगा, सेलिंग प्राइस इज 135% ऑफ सीपी, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं परसेंटेज का साइन हटाऊंगी तो मुझे अपॉन में क्या मिल जाएगा, 100। तो अगर मैं इस 100 को चेंज करना चाहती हूँ तो 135% लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या आ गया, 135% ऑफ सीपी, या फिर इज इक्वल टू 135% ऑफ सीपी। सिमिलरली अगर इन केस गेन परसेंट ना दिया होता और अगर लॉस परसेंट दे दिया होता 35%, तो आप क्या बोलते हैं कि सेलिंग प्राइस बराबर 100 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 65, तो हम क्या लिखेंगे 65% ऑफ सीपी। तो ये मैंने जब कब लिखा है, जब मैं इस 100 को हटा के या परसेंटेज का साइन रख रही हूँ, और यहाँ पे मैं जो गेन परसेंट का वैल्यू रखूंगी वो डायरेक्टली वो होगा जो क्वेश्चन में दिया होगा। तो मैंने एज इट इज गेन परसेंट का वैल्यू क्या था 35, ये परसेंटेज तो इसलिए लगाया है बताने के लिए कि 35% वैल्यू है, ठीक है। तो 35 रखा तो ये हो गया 135 अपॉन में 100 इंटू सीपी, मतलब 135% ऑफ सीपी, और अगर लॉस दिया होगा तो 65% ऑफ सीपी। तो आई होप आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले समझ में आए हो। हम लोग इनके क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे आने वाले सेशंस में, तो पहले तो ये सारे फॉर्मूलेज याद रखना जब तक, नहीं तो आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लास्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था और पूछ रहे थे कि मैम ये सारे जो मैथ्स के वीडियोस हैं इनके पीडीएफ कहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो वो है टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है क्वालिटी शिक्षा। आप वहाँ पे जा के सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जल्दी आप लोगों से दूसरे वीडियो में मिलूंगी। टिल देन गुड लक, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।